बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि हमारे पास होम टैब में एक ग्रुप है अलाइनमेंट का। क्लिपबोर्ड हम देख ही चुके हैं, बहुत ही बेसिक है। कॉपी पेस्ट और फ़ॉन्ट्स हम जानते ही हैं कि फ़ॉन्ट के साइज़ कैसे छोटा बड़ा करना है, और इसमें बोल्ड इटैलिक ये सब हम बेसिक चीज़ें जानते थे। इसमें मैं नहीं जा रहा, अलाइनमेंट में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ उसको बताना ज़रूरी है। तो हम आते हैं अलाइनमेंट वाले सेक्शन की तरफ। अलाइनमेंट का ग्रुप हम आज इसको डिस्कस करते हैं कि हमारे पास इसमें क्या क्या टूल्स हैं और हम कैसे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस डेटा को ही यूटिलाइज़ करके आपको ये अलाइनमेंट का सेक्शन समझाऊँगा, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर एक ग्रुप है, ये एक डेटा है, और मैं इस की प्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी बनाना चाहता हूँ। और इसके जो यहाँ देखें, ये बिल्कुल ही पूरी स्पेस मेरे पास खाली पड़ी, मैं इसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ करना चाहता हूँ। तो मेरे पास ये जो डेटा है ना, ये मैं चाहता हूँ ये कुछ ऐसे आ जाए कि ये नीचे का जो ये पूरा हिस्सा है ये एडजस्ट हो जाए मेरा। तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉलम में रॉ के विड्थ को थोड़ा सा, रॉ के हाइट को थोड़ा बढ़ा दूँगा, और उसके बाद ये जो डेटा है इसको मैं सेंटर कर दूंगा, बल्कि इन सब को सेंटर पे ले आऊँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैं इनको इनकी पोजीशन चेंज कर सकता हूँ, इसको बिल्कुल लेफ़्ट कर दिया जाए। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखें बिल्कुल लेफ़्ट पर है, अब ये सेंटर पर है, ये राइट पे चला गया, ये टॉप, ये डाउन आ गया मेरे पास, ये मिड में चला गया, ये टॉप पर चला गया। इस तरह से हम यहाँ से इनकी पोजीशन सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ ये बेस्ट है। अब ये जो स्पेस नीचे है, ये जो नीचे स्पेस है जो इजाफी यूज़ हो रही है, मैं चाहता हूँ कि ये कवर हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये एक ऑप्शन आता है रैप का, रैप पे जैसे मैंने क्लिक किया इसने क्या कर देना है। अब मैं यहाँ से इस कॉलम के साइज़ को या विड्थ को छोटा करने जा रहा हूँ। आपने देखा कि इसने जो बकिया डेटा था उसने नीचे इसको लेके आ गया, ये रैप का ऑप्शन है, ठीक। यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो यहाँ पे ऑप्शन अप्लाई नहीं होगा जब तक कि मैं इसको रैप ना करूँ। देखिए जैसे मैं इसको रैप करता हूँ इसने खुद इसको एडजस्ट कर लिया। तो एक ये टूल हमारे पास, हम इसको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्ज का टूल हमारे पास किस के लिए काम आता है, मर्ज का टूल हम इस्तेमाल करते हैं एक या एक से ज़ायद, दो या दो से ज़्यादा सेल्स को मर्ज करने के लिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर कोई टाइटल देना चाहता हूँ कंपनी का नाम, मैंने इन सब को सेल, इन सब सेल्स को मर्ज किया, और ये सब सेल अब मेरे पास एक सेल्स की सूरत, एक सेल की सूरत में आ गई, और इसका नाम क्या आया, A3। मैं यहाँ पे कोई कंपनी का नाम दे सकता हूँ, जैसे ABC कंपनी, कोई भी, ठीक है। मर्ज का ऑप्शन हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब ये एक हमारे पास टूल है ओरिएंटेशंस का, हम इसको क्या, इसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसको डेटा रोटेट करने के लिए यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कॉलम ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पे इसमें लिखता हूँ मंथ, मैं कहता हूँ कि अप्रैल 2022 के महीने में मेरे पास कितने लोग कंपनी में रजिस्टर हुए एज एम्प्लॉय। तो मैं इन सब को मर्ज करके एक सेल बना रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अप्रैल 2022, ठीक। इसकी पोजीशन सेट कर देता हूँ और मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। मैं इसको यूँ क्लिक किया तो इसने मेरे डेटा को कुछ इस खूबसूरती से एडजस्ट कर लिया कि पूरा एक जो मेरा सेल था जिसको मैंने मर्ज किया हुआ था, जो 6-7 सेल्स का मजमुआ था, उसने इसको मर्ज किया और एक खूबसूरत तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। मैं चाहे तो उसको यूँ भी लिख सकता हूँ, रोटेट कर दिया इसने डेटा को मेरे, मैं चाहूँ तो इसको यूँ लिखूँ, मैं चाहे तो इसको ऐसे करूँ। इस ऑप्शन को हम यहाँ पे इसी पर्पज़ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ हमने अपने अलाइनमेंट के सेक्शन को क्लियर किया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।